Hello friends, welcome to All About Taxes. Myself CA Manoj Gupta and you're watching All About Taxes. जैसा कि आप सबको पता था GST Council की 28th मीटिंग 21 जुलाई 2018 को कंडक्ट होनी थी जो कि कल हो चुकी है। इस मीटिंग में GST Council ने अब तक के अपने सबसे बड़े डिसीजन लिए हैं। क्या क्या डिसीजन लिए हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए अगर आप GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है वो लिया गया है जीएसटी रिटर्न्स के रिगार्डिंग। जीएसटी काउंसिल ने 27th मीटिंग में डिसाइड किया था कि वह जीएसटी रिटर्न्स को सिंप्लीफाई करेंगे और इसके रिगार्डिंग जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्मेट को फिर से डिजाइन किया जाना था। जीएसटी की नई रिटर्न्स के फॉर्मेट डिजाइन किए जा चुके हैं और कल की मीटिंग में उनको अप्रूव भी कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे मेजर डिसीजन लिया गया है वह डिसीजन यह है कि जो भी सप्लायर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वह क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो टैक्स की पेमेंट है वह मंथली ही करनी होगी। तो अगर आप एक सप्लायर हैं और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन आपको टैक्सेस की पेमेंट मंथली ही करनी होगी। इसके रिगार्डिंग जल्द ही नोटिफिकेशंस इशू कर दी जाएंगी। जीएसटी काउंसिल के अकॉर्डिंग 93% ऑफ द टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने से। 93% ऑफ द टैक्स पेयर्स हैव अ टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹5 करोड़ एंड दिस टैक्स पेयर वुड बेनिफिट सब्सटेंशियली फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन मेजर्स प्रपोज्ड इंप्रूविंग देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। Even the large taxpayers would find the design of new return quite user friendly. तो जो बड़ी न्यूज है, suppliers जिनके turnover 5 करोड़ से कम है वह अब आने वाले टाइम में quarterly return फाइल कर पाएंगे और साथ ही उनको पेमेंट है जो GST की वह मंथली करनी होगी। उसके बाद nil return फाइल करना अब और भी इजी कर दिया गया है। अगर आपको nil return फाइल करनी है तो इसके लिए आप अपना मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं और SMS के जरिए nil return फाइल कर सकते हैं। nil return बेसिकली जहां जिसमें कोई भी परचेज नहीं है और ना ही कोई सेल है, तो इन दैट सिचुएशन आप SMS के जरिए अपने मोबाइल से भी nil return फाइल कर पाएंगे। उसके बाद माइग्रेशन विंडो फिर से एक बार ओपन कर दी जाएगी 31st अगस्त 2018 तक। कोई भी टैक्स पेयर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज वैट में एक्साइज में रजिस्टर्ड था लेकिन टेक्निकल रीजंस की वजह से वह अपने आप को जीएसटी में माइग्रेट नहीं कर पाया, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर से माइग्रेशन विंडो ओपन की जाएगी और 31 अगस्त 2018 तक वह अपने आप को जीएसटी में माइग्रेट कर सकते हैं। द जीएसटी काउंसिल इन इट्स 28th मीटिंग हेल्ड हियर टुडे हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू ओपन द माइग्रेशन विंडो फॉर टैक्स पेयर्स हु रिसीव्ड प्रोविजनल आईडीज बट कुड नॉट कंप्लीट द माइग्रेशन प्रोसेस। नोडल ऑफिसर्स हैं वह इस तरह के व्यक्तियों की डिटेल्स बनाएंगे और उनके लिए माइग्रेशन विंडो फिर से एक बार ओपन कर दी जाएगी। कंपोजिशन स्कीम के लिए जो लिमिट है 1 करोड़ रुपए की, वह ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड की थी 1.5 करोड़ करने की, लेकिन उसको अब तक नहीं किया गया है। उसको एक बार फिर से रिकमेंड किया गया है कि जो जीएसटी कंपोजिशन लिमिट है वह 1.5 करोड़ तक कर दी जाए। अपर लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम टू बी रेज्ड फ्रॉम ₹1 करोड़ टू ₹1.5 करोड़। प्रेजेंट लिमिट ऑफ टर्नओवर कैन नाउ बी रेज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कंपोजिशन स्कीम को एक सर्विस प्रोवाइडर ऑप्ट नहीं कर सकता है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो ऐसे में यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दी गई है जीएसटी काउंसिल के द्वारा कि सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी कंपोजिशन स्कीम दी जाए। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहेगी, जो कंपोजिशन डीलर है वह टोटल टर्नओवर का 10% से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। साथ ही जो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर सकता है वह ₹5 लाख तक ही प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप एक कंपोजिशन डीलर है, ट्रेडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, लेकिन कुछ पोर्शन सर्विसेज का भी रहता है, तो आपके लिए 10% ऑफ द टर्नओवर तक आप सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लिमिट ₹5 लाख तक ही रहेगी सर्विसेज के रिगार्डिंग। उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में जो जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। उसमें कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर ही जो रिवर्स चार्ज है इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर वह एप्लीकेबल किया जाए। आज की डेट में 30 सितंबर 2018 तक जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन अनरजिस्टर्ड सप्लायर पोस्टपोन किया गया है, लेकिन
एज पर प्रोविजंस, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सप्लाई लेंगे और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स पे करना होगा। इसमें कोई भी गुड्स अभी स्पेसिफाई नहीं की गई है, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के केस में ही सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके बाद जो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड, जो कि 10 लाख रुपीज है, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की रिकमेंडेशन की गई है। उसके अलावा अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और आप सेम स्टेट में मल्टीपल लोकेशंस पर बिजनेस करते हैं तो आपको फैसिलिटी दी जाएगी, आप मल्टीपल लोकेशंस के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं विद इन दी सेम स्टेट भी। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को थोड़ी सी रिलीफ दी जा सकती है, जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए वह लिमिटेड किया जा सकता है सिर्फ उन्हीं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए जिनको टैक्स कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली आने वाले टाइम में अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टैक्स कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, बाकी सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को 20 लाख रुपए की लिमिट दी जाएगी। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस होने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट करनी होती है, अदरवाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है अलोंग विद इंटरेस्ट। तो इसमें कहा गया है कि विद इन 180 डेज अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो रिवर्स करना होगा, लेकिन जो लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट है वह आपकी खत्म कर दी जाएगी। तो इसका मतलब आपको सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा, आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। उसके बाद जीएसटी अपील्स के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अपलेट अथॉरिटी में, अपलेट ट्रिब्यूनल में अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम लिमिट जो प्री डिपॉजिट की रहेगी वह 25 करोड़ रुपीस एंड 50 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली रहेगी। 25 करोड़ इन केस ऑफ अपेलेट अथॉरिटी एंड 50 करोड़ इन केस ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद कमिश्नर को पावर दी जा सकती है कि वह जो वर्क के केस में जो इनपुट्स या फिर कैपिटल गुड्स सेंड की जाती है उसको 180 डेज के अंदर वापस रिटर्न करना होता है तो उसकी टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है, और यह एक्सटेंशन 1 साल और 2 साल, इन केस ऑफ इनपुट्स 1 ईयर एंड इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स 2 ईयर्स एक्सटेंड की जा सकती है बाय द कमिश्नर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को लेकर काफी इश्यूज चल रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा ताकि उसको जो जीएसटी कंप्लायंसेज है वह ना करनी पड़े, और उसके बाद एज पर जीएसटी लॉ प्रोविजंस आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक रिलीफ मिलेगी, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा जिससे आपको आगे जीएसटी लॉ में कंप्लायंसेज नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक रिलीफ और दी जाएगी, जैसा कि अभी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स आपको इनवॉइस वाइज इशू करने होते हैं तो इसके लिए कहा गया है कि आप कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेज इशूड इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप मल्टीपल इनवॉइसेज के लिए कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ रिलैक्सेशन की जा सकती है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और आप आरबीआई की परमिशन से जो एक्सपोर्ट पेमेंट है वह इंडियन रुपीज में भी रिसीव करते हैं तो भी यह एक्सपोर्ट माना जाएगा। उसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजन में भी कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दी गई है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। उसके बाद सर्विसेज के रिगार्डिंग जीएसटी रेट्स में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज में रिलीफ दी गई है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी एंड ओल्ड एज सपोर्ट, काफ़ी सारी सर्विसेज में एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है। इन सभी को मैं डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जो लिंक दिया गया है। होटल इंडस्ट्री को भी काफ़ी सारी रिलीफ दी गई है, जैसा कि डिक्लेयर्ड टैरिफ के अकॉर्डिंग जीएसटी रेट अप्लाई की जाती थी, अब वह डिक्लेयर्ड टैरिफ हटाकर ट्रांजैक्शन वैल्यू कर दिया गया है, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग जीएसटी रेट अप्लाई की जाएंगी। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, और काफ़ी सारी सर्विसेज पर जो कि 18% रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल थी उनको 5% पर कर दिया गया है। ये सभी डिटेल्स
आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से। उसके अलावा गुड्स में भी काफी सारे जीएसटी रेट्स को चेंज किया गया है, सैनिटरी नैपकिन्स और राखी और काफी सारी चीजों पर नील रेट ऑफ टैक्स रखने की बात की गई है। फैब्रिक के केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर है तो वहां पर रिफंड देने की बात की गई है। काफी सारी रेट्स 28% से 18% पर कर दी गई है, 12% पर कर दी गई है, और काफी सारी रेट्स 18% से नील कर दी गई है, 12% 5% से नील कर दी गई है। स्टोन मार्बल है, राखी है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं। तो गुड्स के रिगार्डिंग भी जीएसटी रेट्स में जो भी चेंजेस आए हैं वह डाउनलोड कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक से। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, छोटे छोटे चेंजेस इतने हैं कि मैं आप लोगों के साथ सारे तो शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेजर डिसीजन लिए गए हैं वह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।